गाइस वेलकम बैक टू सिंपली शैडो। तो अभी मैं अपने बिल्कुल में बैठी हूँ और ग्राउंड में चेयर्स वगैरह लग गया है। पता नहीं किस लिए चेयर का इंतजाम किया गया है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है। तो बैठते हैं, बुला रहे हैं, कोई नहीं है फिलहाल, तो खाली है। तो लेट्स फाइंड आउट क्या प्रोग्राम होता है कैंप में, आज क्या प्रोग्राम है, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस ये प्रोग्राम हैम एकेडमी से है। तो हैम एकेडमी से कुछ टीचर्स एंड उधर के सारे लोग आए हैं हमारे कैंप में, उनका एकेडमी का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि क्या क्या सिखाया जाता है और बच्चों का स्किल डेवलपमेंट एंड रोबोटिक्स ऐप डेवलपमेंट के बारे में कैसे सिखाते हैं, बच्चों को कितना इम्प्रूवमेंट होता है। और समर कैंप का भी फैसिलिटीज़ है, इंतजाम किया गया है इस साल। और हमारे कैंप के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था इस साल के लिए, जहाँ कि बाहर के बच्चों के लिए 1500 रुपये लग रहा था। अगर कैंप से रिलेटेड एक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका वैल्यूएबल सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे इंटरेस्टिंग और भी पार्ट्स है तो रोबोटिक्स को लेकर के, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। माई फादर नेम इज पुरुषोत्तम कुमार एंड माई मदर्स नेम इज निधि कुमार। जैसे हमारे पास आंखें होती है जैसे मैंने बताया, तो आप देखिए ये बॉट है, इसमें ये सेंसर दिख रहा है। तो ये सेंसर क्या करता है, ये सब चीजें लाइन जो है वो डिटेक्ट करता है, और ये इसके मोटर्स हैं जो इसको चलने में मदद करेंगे, और ये उसको हो गया ब्रेन जो उसका डिसीजन बनाता है, ठीक है। तो अब इसमें प्रोग्राम हमने खुद से बनाया है, जो हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए 4 लाइन का, जैसे सीधा जाना है, जैसी लाइन दिखे पीछे होना है। तो अब आराध्या, एक साइड आराध्या और एक साइड परम, दोनों को बस सेंटर बटन दबाना है जिससे प्रोग्राम रन थोड़ा साइड हो जाए बेटा, बच्चों को देखते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे 3 2 1 गो बोलूं, आपको बस सेंटर बटन दबाना है और आपको पीछे हो जाना है, ठीक है। चलो दोनों आ जाओ, फिंगर ऑन द ऑरेंज बटन यहाँ पे रखना है, ओके। सब पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, बच्चे नील डाउन करो, जस्ट फिंगर रखना है दबाने में, तो बोलो 3 2 1 गो, ओके। तो अब यहाँ पे डायलॉग हो गया, तो पहले हमारे जीते परम जी जिन्होंने आराध्या को पहले ही बाहर कर दिया। तो अगर आप अब नोटिस करेंगे, जैसे ही परम का बॉट बाहर जाता है लाइन को देखता है तो वो तुरंत पीछे आ जाता है। तो अभी आराध्या और परम के बॉट आपने देखा होगा, आराध्या का बॉट बहुत जल्दी पीछे आ गया। रीजन क्या आता है, कुश्ती में सबसे पहला रूल होता है आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होता है। तो वैसे ही अगर मेरा डिफेंस अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं बाहर जल्दी हो जाऊंगी। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं, अब जब अगर हम इजी सिंपल बॉट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, कोई भी आपको हरा सकता है। मेन डिपेंड करता है आप कितना अग्रेसिव हो, क्या कितने स्पीड से आ रहे हो। तो ये जो चीज जो आप रियल में देखते हो वही हम यहाँ पे करा सकते हैं। और किसी को लड़ना है तो आप उन्हें जो चीज के बोले, तो हमारे पास एक